मोदी से डर नहीं, योगी से भी डर नहीं, नीतीश कुमार से भी कोई डर नहीं, लेकिन पत्रकार भाइयों तेजू भैया से डरना जरूरी है। अगर बमक गए तेजू भैया तो करने लगते हैं ताथा थैया। फिर बुलाते हैं, 2 मिनट वाली मैगी बनाते हैं। तो इसको और इसको बाहर रख दीजिए, थोड़ा 2 मिनट बात करेंगे आपसे। हाँ, इसको रख दीजिए, दे दीजिए इनको, दे दीजिए। जो भाग जाओ नोटिस भिजवाते हैं। आइए देखिए, देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। आइए इंटरव्यू नहीं दीजिएगा, आइए ना इंटरव्यू दे दीजिए, इंटरव्यू देना। वेद जी कहाँ भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? तेजू भैया को पानी कम समझने वाले लोग हो जाए सावधान, कहीं अगला नंबर आप कहीं ना आ जाए। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अब पत्रकारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल उन्होंने एक पत्रकार को दौरा दिया जो कि आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सिर्फ एक पत्रकार को दौराने से जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने 9 पत्रकारों पर मानहानि का केस ठोक डाला। अब पूरा मामला क्या है हम आपको समझा देते हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव ने एक पत्रकार को अपने आवास पर बुलाया जहां पत्रकार ने पूछा, नाराज है क्या आप? जिसके बाद तेज प्रताप ने पत्रकार को कैमरा बाहर रखकर अंदर आने बोला, लेकिन बाहर जाते ही वो पत्रकार चला गया और तेजू भैया उस पत्रकार के पीछे दौड़ गए। आप भी जरा इसका एक नजारा देख लीजिए, एक झलक देख लीजिए। दोस्तों मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमको बदनाम किया जाता है। ये जो वेद प्रकाश हैं, जो अपने आप को बहुत बताते हैं कि हम मीडिया के हैं और बहुत साख छवि के हैं, अच्छे छवि के हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये लोग बदनाम करते हैं। आइए देखिए, देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। आइए इंटरव्यू नहीं दीजिएगा, आइए ना इंटरव्यू दे दीजिए, इंटरव्यू देना। वेद जी, ए वेद जी इधर आइए ना, कहाँ भाग रहे हैं? अरे वेद जी कहाँ भाग रहे हैं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वहां ले जाके दिखाओ। ये देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। ये चैनल जो है हमको बदनाम करने की साजिश रचती है, ये चैनल जो है ये हमको बदनाम करने की साजिश रचती है। यही है, देखिए किस तरीके से भाग रही है। रिकॉर्डिंग करो, वहां जाओ रिकॉर्डिंग करो। कहाँ भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? तो देखा आपने किस तरीके से तेजू भैया ने अपने आवास पर बुलाकर प्यार से उसको डरा दिया। अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि आखिर तेजू भैया इतना गर्मा क्यों गए? ऐसा क्या हो गया कि लालू के लाल से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने पत्रकार को अपने आवास पर ही बुला लिया? दरअसल वीडियो में जो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं उससे यही लग रहा है कि तेज प्रताप यादव का कहना है कि उन्हें बदनाम किया जाता है, तो वो इल्जाम पत्रकारों पर लगा रहे हैं कि उन्हें बदनाम करते हैं पत्रकार, बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन कोई बिहार के खासम खास तेजू भैया को बदनाम क्यों करेगा? ओह, मतलब अगर कोई तेज प्रताप यादव के खिलाफ खबर चलाता है तो वो उन्हें बदनाम कर रहा है। मगर ये कुछ बात पल्ले नहीं पड़ा। अब आपको तेजू भैया की कुछ कहानियां सुनाते हैं जो तेजू भैया के हिसाब से उस खबर को दिखाता है, उन्हें बदनाम करने का काम करता है। कहानी नंबर 1, तेज प्रताप यादव ने राजद के कार्यकर्ता को बुरी तरीके से पीटा और यही नहीं, उस कार्यकर्ता का आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया जिसके बाद वो कार्यकर्ता राजद पहुंचकर इस्तीफा देता है। कहानी नंबर 2, तेज प्रताप यादव अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को धमकी देते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें उनके पद से हटाकर ही दम लेंगे। कहानी नंबर 3, ये कहानी कुछ दिन पहले की है। तेज प्रताप यादव अपने पार्टी से इस्तीफा देने की बात करते हैं और फिर अगले दिन ही छोटे भाई के साथ नजर आते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो तेज प्रताप यादव करते हैं उसको दिखाना पाप कैसे है? खैर चलिए आपको कुछ रिएक्शन भी दिखाते हैं जो कि लोगों ने इस पर किया है। एक यूजर ने लिखा है, एक बार तेजू भैया हमको भी बुलाए थे लेकिन मैं गया नहीं। वही दूसरे यूजर ने लिखा है, ऑफिस से बाहर ना निकले, स्टूडियो में ही रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। अब तेज प्रताप यादव का यह गुस्सा कितना जायज है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।